हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, बात करते हैं, आज आपके सामने एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आए हैं दोस्तों, सीबीएसई क्लास 12th की। दोस्तों बात करते हैं, टुडे बिग न्यूज़ लेके आए हैं दोस्तों, रिजल्ट कॉपी से लेके दोस्तों, और रिवेलेशन आपके पास जो नंबर हैं उनकी आपके पास जाँच होगी दोस्तों, उससे लेके आपके पास आज बहुत ही बड़ी अहम खबर लेके आए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर देखिए, और जो हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों ऑटोमेटिक आ जाए। तो दोस्तों बात करते हैं, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोस्तों, आप जो ऊपर देख सकते हैं ये नोटिस 14 तारीख को दोस्तों आया था, ऑफिशियल नोटिस है, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों इसमें 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लेके है। सेकंड, आपके पास ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवलेशन आंसर बुक से लेके आपके पास न्यूज़ है। थर्ड बात करते हैं, रिवेलेशन ऑफ द मार्क्स, मार्क्स की जो रिवेलेशन है होगी, अब दोस्तों जो कैंडिडेट संतुष्ट नहीं है वो भर सकते हैं दोस्तों रिवेलेशन की मार्क्स की। तो दोस्तों उनसे लेके 3 पॉइंट है आपके पास, इनसे लेके पूरी वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत जरूर देखिए, सीबीएसई 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बात करते हैं, इसमें आपका क्या बताया गया है दोस्तों, ये पहला पॉइंट आपके पास बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले पॉइंट में दे रखा है, रिक्वेस्ट फॉर द ऑल पर्पज ऑफ द एक्सेप्टेड ऑनलाइन, जो आपके पास ये वेबसाइट दे रखी है www.cbse.nic.in, डूरिंग आपके पास शेड्यूल दे रखा है भैया आपके पास। से फर्स्ट पॉइंट में तो आपके पास वेबसाइट दे रखी है, सेकंड पॉइंट में आपके पास डिपॉजिट ऑनलाइन आपके पास भाई आप कैसे करवा सकते हैं वो चार्ज, इसकी प्रोसेस है। थर्ड पॉइंट में आपके पास ये देख लो आप, ये इनकम्प्लीट और ऑफलाइन की बात है, और फोर्थ पॉइंट आपके पास गिवन है। अब बात करते हैं इससे आगे आपके पास दोस्तों, फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपका क्या कहता है भाई, फिफ्थ नंबर पॉइंट में आपके पास ये बोलता है, बोर्ड विल बी द नो रिस्पॉन्सिबल, बोर्ड आपके पास फिलहाल रिस्पॉन्सिबल नहीं है एनी लॉस और डैमेज आपके पास भाई, कैंडिडेट के जो मार्क्स आ जाते हैं उसमें बोर्ड नहीं है जिम्मेदार, आप इनके जो नंबर अभी दिए हैं आपको पता है रिजल्ट आया है, तो इनके नंबरों की आप जांच करवाने के लिए आप अपने फॉर्म दोस्तों भर सकते हो। उसकी न्यूज भी बताएंगे दोस्तों कब तक आप भर सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता न करें दोस्तों। 2 पॉइंट और आपके पास गिवन है भाई मार्कशीट से लेके आपके पास। अब बात करते हैं दोस्तों इससे आगे नोटिस में क्या दे रखा है, तो दोस्तों इसमें दे रखा है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, मार्क्स की आप वेरीफाई करवा सकते हैं दोस्तों, उसके लिए पर सब्जेक्ट के लिए चार्ज रखा है इन्होंने, ₹500 चार्ज रखा है दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं, जो आप वेरीफाई करवा सकते हैं दोस्तों ये नंबर की, ये आप कब तक दोस्तों वेरीफाई करवा सकते हैं उसकी बात बताएंगे आपके पास। तो दोस्तों ये ₹500 दे रखे हैं, ये आप 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में दोस्तों आप करवा सकते हैं अपने नंबर को जो वेरीफाई, जो अभी जो बच्चे संतुष्ट नहीं है जिनका रिजल्ट आया है वो बच्चे यदि करवाना चाहते हैं वेरीफाई अपने नंबरों को, तो उनके लिए पर सब्जेक्ट का चार्ज रखा गया है ₹500 रखा गया है, और इनके फॉर्म दोस्तों 17 जुलाई से लेके 21 जुलाई तक दोस्तों, जो मैंने साइट बताई है www.cbse.nic.in, तो दोस्तों उस साइट पे आपके पास जाएं और अपने ये सब्जेक्ट की दोस्तों इसकी जानकारी दें भाई, हम इसके नंबरों की जांच करवाना चाहते हैं। तो दोस्तों उससे लेके आपके पास ये नोटिस है। अब बात करते हैं भाई इससे आगे इसमें क्या है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं भाई सेकेंड पॉइंट इसमें है, एप्लीकेशन फॉर द ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवलेटेड आंसर बुक। तो दोस्तों बात करते हैं भाई, जो आपके पास इसकी प्रोसेसिंग है ये आपके पास ₹700 पर सब्जेक्ट की है, जो आपके पास भाई फोटोकॉपी आपके पास आंसर बुक, जो आपके पास भाई पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट है दोस्तों उसकी बुक की आप जांच करवाना चाहते हैं, तो उसकी आपके पास ₹700 फीस रखी गई है दोस्तों, और ये ₹700 दोस्तों फीस है आपके पास, ये ऑनलाइन आप अप्लाई कब कर सकते हैं इसकी डेट बता देता हूं मैं, 1 अगस्त से लेके आपके पास 2 दिन का टाइम है ओनली, 1 अगस्त और 2 अगस्त को, और 2 अगस्त तक आप शाम 5 बजे तक दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों। तो
तो दोस्तों इसमें जो आपके पास ये चार पॉइंट दे रखे हैं इनको आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये नोटिस ये आया हुआ है साइट के ऊपर आया हुआ है दोस्तों, आप साइट के ऊपर भी खुद देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल नोटिस है आपके सामने, हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों इससे आगे आपके इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप चैनल के साथ बने रहिए। और दोस्तों आप अपने स्क्रीन के ऊपर देखिए इससे आगे, तो दोस्तों अब बताती है रिवोल्यूशन ऑफ द आपके पास आंसर बुक का, जब आप रिवोल्यूशन करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आप सबसे नीचे देख सकते हैं दोस्तों, डेट दे सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के साइन है, डेट है 14 तारीख दोस्तों, साइन है उनके। तो दोस्तों अब इसमें क्या बात कही गई है रेगुलेशन में दोस्तों, क्या कहा गया भाई, इनके फॉर्म वहाँ पे 6 अगस्त और 7 आपके पास अगस्त को, 7 अगस्त को आप शाम 5 बजे तक दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ₹100 पर क्वेश्चन के दोस्तों इसमें फीस रखी गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं भाई। सेकंड पॉइंट इसमें है रिक्वेस्ट फॉर द एवोल्यूशन, आपके पास रिवोल्यूशन जो है इसमें पोर्शन आपके पास ₹100 पर क्वेश्चन की रखी गई है दोस्तों। रिवोल्यूशन जो अपने जो क्वेश्चन को क्या भाई हमारे ये क्वेश्चन गलत हो गया था भाई, हमारे जैसे इसके नंबर नहीं दिए थे, तो दोस्तों उसके संबंधित आपके पास खबर है। अब बात करते हैं भाई इसमें चार्ट बनाया गया है जो मैंने समझाया आपका, इसमें आपके पास रेवोल्यूशन आपके पास इसमें है, आप देख सकते हैं भाई थर्ड नंबर पॉइंट पे, और पहले नंबर पे है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की, आप वेरीफाई करवा सकते हैं, उसके लिए आपके पास ड्यूरेशन दे रखा है, फीस दे रखी है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ऑब्टेन फोटोकॉपी ऑफ द एडिटेड आंसर बुक, उसके लिए अप्लाई ऑनलाइन आप 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त तक दोस्तों कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर आपका, इसके लिए ₹700, पहले वाले के लिए आपके पास वेरीफाई ऑफ मार्क्स के लिए दोस्तों ₹500 है, और जो आपके पास लास्ट नंबर है री एवोल्यूशन के लिए आपके पास अप्लाई ऑनलाइन की 6 अगस्त, और दोस्तों 7 अगस्त को आप अप्लाई, 2 दिन अप्लाई कर सकते हैं, और ₹100 आपके रखे गए हैं इसमें फीस के रखे गए हैं। तो दोस्तों ये शेड्यूल ऑफ द, ये आपके पास शेड्यूल है किसका, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का, जो आपके पास नंबर आए हैं यदि कोई बंदा भाई उन संतुष्ट नहीं है, उनको वेरीफाई करवाना चाहता है तो अपने नंबरों की पुनः जांच करवा सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी ये CBSE ने दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज निकाली है आपके लिए, CBSE बोर्ड ऑफ एग्जाम ने। तो दोस्तों इस नोटिस को आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करना, आपके लिए काफी फायदेमंद नोटिस है। और जो विद्यार्थी संतुष्ट नहीं है अपने नंबरों से, क्योंकि आप लोगों को पता है भाई अब की बार COVID-19 के कारण आपके पेपर नहीं हो पाए थे, तो दोस्तों 1 या 2 सब्जेक्ट आपके रह गए थे दोस्तों, उनके प्रमोट के नंबर लगे थे, तो यदि उनसे संतुष्ट नहीं है दोस्तों तो अपने फॉर्म में भर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने हमने आज बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ दी थी। तो दोस्तों जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास भविष्य में आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों आज आपके सामने हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर रखी दोस्तों, CBSE बोर्ड क्लास 12th के लेकर दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।